मैं जा रहा हूँ पाम जुमेरा की साइड, तो पाम जुमेरा की जो सड़कें हैं, जो टनल है, जो पानी के ऊपर से जो वो खजूर की पत्तियाँ कटी हुई है, देखो वो यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से क्या कि ये जो निकल रहा है, ये जो टनल निकला है इसमें ऊपर से पूरा पानी है, इसके ऊपर जो है वो पूरा पानी है। आप देखे थे मैं जब इंटरेस्ट हुआ था, तो मैं होंडा की पायलट मेरे पास गाड़ी है, तो ये टनल में देखो भाई साहब एसी वेसी के कैमरे, स्पीड ट्रेकर सौरा लगाया हुआ है, लेन वाइज यहाँ पे चलना पड़ता है, दुबई का थोड़ा सिस्टम अलग है। और ये टनल देखो कितना प्यारा टनल है भाई साहब, बड़ा टनल है शायद मेरे हिसाब से 1.5 किलोमीटर का होगा लगभग, कन्फर्म नहीं कह सकता। और पर इसका लुक जो आ रहा है, लाइटिंग जो है, इसको टाइलें जो लगाई गई है वो 3D लगाई गई है, लुक जो आ रहा है वो बड़ा प्यारा आ रहा है। स्पीड है जो चलने की वो स्पीड यहाँ 50 किलोमीटर, 50 से ऊपर अपन जा नहीं सकते, वरना यहाँ कैमरे लगे होते हैं, पुलिस वाले नहीं रोकेंगे आपको, अपने आप घर पे आ जाएगा यहाँ पे चालान जो रहता है। और इसको देखो कंट्रोल करने के लिए ना, जो अंदर का हीटिंग जो है उसके लिए देखो एक फ़ैन लगा रखा है शायद मेरे हिसाब से, इसको कूल करने के लिए, बाकी मुझे पता नहीं, आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और मैं जैसे बाहर निकलूँगा तो ये पाम का जो है, मैं अभी पाम जुमेरा में ही चल रहा हूँ, ये रोड वही रोड है, मेन रोड जो है ये कटा हुआ है, ये टनल है, इस पर जो टनल बनाया हुआ है ये देखो, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है देख सकते हो आप, यहाँ अलग अलग में है, स्क्वायर में बटा हुआ पाम 1, 2, 3, 4, 5, 7 जैसे अलग अलग है। ये जो इससे ऊपर से हाईवे जा रही है वो साइड में चली जाएगी, ये पाम की साइड है। उधर देखें तो ये जो पोर्ट सा दिख रहा है पूरा, वो उधर पोर्ट है, पूरा बड़ा पोर्ट है, यहाँ आप कर सकते हो जो भी हो पानी के अंदर, जैसे ये है कि आपको ड्राइविंग करनी है और करनी है, बोट में घूमना है, वो आप आगे से होटल से ले सकते हो। और ये पाम जो मेरा की साइड चल रहा हूँ, ये अटलांटिक जो होटल है वो है, जो सामने आ रही है वो अटलांटिक होटल है। और भाई साहब इसको देखो कितना प्यारा बढ़िया तरीके से सजाया गया, मुझे तो दुबई बहुत अच्छी लगी, आपको कैसे लगी कमेंट करके बताओ।